हेलो दोस्तों, मैं संदीप डिकोडिंग नेट JRF से आज आप लोगों के लिए लेके आया हूँ पॉलिटिकल थिंकर्स पढ़ने के कुछ तरीके। जब भी आप नेट के सिलेबस में देखेंगे तो 20 से 25 पॉलिटिकल थिंकर्स हैं वेस्टर्न और इंडियन मिला के, तो उनको देख के डरना नहीं है क्योंकि सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट थिंकर्स ही हैं। आपने उनको समझ लिया और ओवरऑल अगर आप देखेंगे पूरे के पूरे पॉलिटिकल साइंस सिलेबस में, तो आपको 200 थिंकर्स के आसपास तो पढ़ना ही है, मतलब 200 लोगों के बारे में आपको पता होना चाहिए। तो उतना कैसे आप याद रखेंगे और क्या बातें हैं जो आपको करनी चाहिए वो जानने के लिए, वो तरीके मैं आपको बताने की कोशिश करूँगा। पहला है, जब भी आप जो मेन थिंकर्स हैं जो पॉलिटिकल थॉट वाले पार्ट में दिए हैं उनके बारे में जानने के लिए, तो आपको पहले उनका कॉन्टेक्स्ट जानना इंपॉर्टेंट होगा। कोई भी थिंकर्स जो बातें कर रहा है उसमें उसका कॉन्टेक्स्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और उस पर क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। जैसे प्लेटो के बारे में पूछ लेगा कि जब वो लिख रहे थे तो क्या सिचुएशन थी वहाँ पे, सेम मैकियावेली के साथ है कि रेनेसा पीरियड था और नेशन स्टेट क्रिएट हो रहा था। ये सारे एस्पेक्ट आपको ध्यान में रखने। तो पहला है कॉन्टेक्स्ट इंपॉर्टेंट है, जिस भी कॉन्टेक्स्ट में वो लिख रहा था, किनको रिस्पॉन्ड कर रहे थे, कौन सी डिबेट लार्जर चल रही थी, वो बातें आप ध्यान में रखेंगे तब आप ज़्यादा बेटर समझ पाएंगे थिंकर्स को। दूसरा जो थिंकर्स के बारे में इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है वो है कि किन लोगों का उन पे असर पड़ा है, कौन लोग हैं जिनकी वजह से वो लिखना शुरू किया है, या कौन उनके गुरु हैं या जिनसे मोटिवेशन लेके उन्होंने लिखना शुरू किया, या किसको रिस्पॉन्ड करते हुए लिखा है इन्होंने। जैसे सोक्रेटिस और अरिस्टोटल के बीच में जो चीज़ें हैं, वैसे ही बहुत सारे थिंकर्स का एक दूसरे के साथ रिलेशन होता है, वो रिस्पॉन्ड कर रहे होते हैं, डिबेट कर रहे होते हैं, वो बातें आपको ध्यान में रखनी है। तीसरी जो बात आपको ध्यान में रखनी है और जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, हर राइटर का कुछ मेन आइडिया होता है, आपको सारे आइडियाज़ नहीं पढ़ने होते, कुछ मेन आइडिया होते हैं जिन पर उनका वर्क बहुत ही अच्छा होता है, उसको आपको याद रखना है। प्लेटो का फिलोसोफर किंग हो गया, जॉन रॉल्स का जस्टिस हो गया, इस तरह हर राइटर के कुछ ना कुछ स्पेशल वर्क होते हैं। जैसे J.S. मिल का लिबर्टी पे जो काम है, तो ऐसे ही बहुत सारे राइटर्स हैं जिनका हर एरिया में काम है, लेकिन कुछ बहुत इंपॉर्टेंट काम है। आपको जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो बातें याद रखनी है और उनका लिस्ट बनाना है किसी भी थिंकर्स का। धीरे धीरे करके मैं हर थिंकर्स के बारे में बताऊंगा कि उस थिंकर ने किस टॉपिक पे बहुत अच्छा काम किया है, वो चीज़ें आपको याद रखनी है जिनकी आने की पॉसिबिलिटी ज़्यादा बढ़ जाती हैं। लेकिन अभी आपको ध्यान रखना है कि हर राइटर के 4-5 काम होंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, धीरे धीरे मैं लिस्ट दे दूंगा, लेकिन उसके पहले आपको वो काम पे फोकस करना है कि अच्छा स्पेन का क्या आइडिया है या ये आइडिया किन्होंने दिया है। बाद में आप जब बहुत ज़्यादा पढ़ लेंगे तो आपको यही लगेगा कि ये आइडिया इनका है कि उनका है, तो उसको दूर करने के लिए आप उनको थोड़ा थोड़ा नोट डाउन करें। फिर आपको ये भी याद रखना है कि कौन सी मेजर डिबेट थी जिसपे वो इन्वॉल्व थे या आपस में डिबेट कर रहे थे। जॉन रॉल्स और अमर्त्य सेन का क्या डिफरेंस है, और ऐसे बहुत सारे डिबेट हैं पॉलिटिकल साइंस में। पॉलिटिकल साइंस सारा गेम डिबेट और थिंकर के बारे में, तो उनको जानने की कोशिश करें। फिर आपको जो याद रखना है वो है बुक्स याद रखना है। सारी बुक्स बहुत बार आपको याद नहीं होंगी, लेकिन कुछ बुक्स जो हैं वो बहुत ही ज़रूरी हैं याद करना, क्योंकि वो अगर आपको याद रहेंगी तो आपके लिए बहुत आसान काम हो जाएगा। मान लीजिए 4 ऑप्शंस आपको दिए हैं, आपको एक राइटर की 2 बुक पता है, तो आप वहाँ पे कैंसिल करके भी आप सही कर सकते हैं, एलिमिनेशन के थ्रू सही कर सकते हैं। तो आपको एफर्ट करना है। याद नहीं होता, उसके लिए मैं आपको कुछ तरीके बता दूंगा। पहला है कि किसी भी राइटर को या थिंकर को पढ़ने के लिए आप अगर ये याद करेंगे कि सबको आप याद ही कर लेंगे, तो वो गलत तरीका होता है। आपको कुछ से दोस्ती करनी पड़ेगी, मतलब आप उनको ऐसे ट्रीट करें कि आप उनको बहुत जानते हैं, उनके बारे में कुछ इनफॉर्मल फैक्ट जानते हैं, उनकी फ़ोटो यूज करें, इंस्टा से देखने की कोशिश करें, ताकि आपके दिमाग में बैठ जाए कैसे ये थिंकर हैं, बस उनको आप सेंटर बना लें। किसी भी एक थिंकर को मेडिवल से पकड़ते हैं या रेनेसा पीरियड से पकड़ के आप बना लेते हैं कि उनके बारे में कुछ जानते हैं, और उसके बाद चीज़ें थोड़ी सी आपको लगेंगी कि अच्छा इनमें से 10 में से कोई तो पकड़ में नहीं आ रहा है। किसी योग को पकड़ने, सारे आसपास वालों को उनके आसपास बैठा के फिर समझने की कोशिश करें। अगर मैं आपको बोलूं कि जॉन लॉक जो थे वो मेडिसिन में एक्सपर्ट थे, अब इस तरह के इंटरेस्टिंग फैक्ट अगर आप लोगों के बारे में जानेंगे तो आप उस इंसान के बारे में जानना चाहेंगे कि यार कोई डॉक्टर या मेडिसिन में एक्सपर्ट होने के बाद कैसे इतना अच्छा पॉलिटिकल साइंटिस्ट हो सकते हैं, ये बातें आपको सोचनी चाहिए। तो ऐसे ही बहुत सारे इन्फॉर्मल जो फैक्ट्स होते हैं वो आपको इकट्ठा करने हैं, ताकि उस राइटर में इंटरेस्ट बना रहे। अगर आपको पॉलिटिकल साइंस में उतना इंटरेस्ट नहीं है तब भी आप याद कर सकते हैं। आपको फ़ोटो रखनी चाहिए ताकि कन्फ्यूज़न ना हो, क्योंकि अगर आप फोटो देखते हैं, बुक्स भी जब आप याद करें तो कोशिश करें कि बुक्स का जो टाइटल होता है उसका बुक्स का फ़ोटो लेके या स्क्रीनशॉट लेके आप पढ़ने की कोशिश करें। और हर राइटर के कुछ 2-3 काम होते हैं जो कि बहुत ही अच्छे काम होते हैं। जितने भी थिंकर्स आप लोगों के लिस्ट में दिए हुए उनमें सब बहुत ही अच्छे थिंकर्स हैं, मतलब उनका सिलेक्शन इसीलिए किया गया क्योंकि वो अच्छे थिंकर्स हैं। तो उनके कुछ काम हैं अच्छे, वो आपको याद रखने हैं, वो आपको लिस्ट बनाना है। और बहुत बार क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर भी पूछ लेता है कि कौन से ईयर में क्या बुक लिखी है, और इसलिए नहीं पूछता कि आपको रट्टा मारना चाहिए था, इसलिए पूछता है क्योंकि उनके काम का रिलेवेंस होता है। जैसे जो यंग प्लेटो हैं और जो लेटर मेच्योर प्लेटो हैं, उनके वर्क में थोड़ा डिफरेंस होता है, सेम मार्क्स के साथ है,
तो ये चीज़ें आपको जब समझ में आ जाएंगी तो आप ज़्यादा बेटर स्कोर कर पाएंगे। और इसी तरह मैं आपको नेक्स्ट वीडियोज़ जो आएंगे उसमें ये सब बताता रहूँगा, बेसिक चीज़ें कैसे आपको थिंकर्स पढ़ना है, कैसे कौन से थिंकर को कितना बेहतरीन तरीके से पढ़ना है, कहाँ से आते हैं क्वेश्चन, उसमें ये सारी डिटेल में देता रहूँगा। लेकिन तब तक आपको ये बातें ध्यान रखनी है। फिर जो आखिरी बात है जो आपको याद रखना है, बहुत बार ये जो थिंकर्स हैं इनको क्रिटिक भी किया गया है, इनको बहुत लोगों ने बोला है कि आपने यहाँ पे गलत लिखा, वहाँ पे गलत लिखा। तो आपको केवल थिंकर्स याद नहीं करने, उनके जो बहुत बड़े बड़े क्रिटिक हैं या जिन्होंने बहुत अच्छा बोला है उनके बारे में, उनको बहुत अच्छे से काउंटर किया, उनको भी आपको याद रखना है। और उन्होंने कौन सी फेमस लाइन बोली हुई है वो भी याद रखना है, और जो थिंकर ने फेमस लाइन बोली हुई है वो भी याद रखना है। और ये सारा तभी होगा जब आप एक नोट्स बनाने की कोशिश करेंगे थिंकर्स का या इन लोगों का। रेडीमेड नोट्स लेने की बहुत ज़्यादा कोशिश ना करें क्योंकि आप बहुत चीज़ें मिस कर देते हैं। इस वीडियो में इतना ही अभी, और वीडियो देखें, सब्सक्राइब कर दें, और ऐसे जो भी टॉपिक आपको पढ़ना है कमेंट में जाके कमेंट कर सकते हैं कि ये आपको पढ़ना है और ये कैसे समझेंगे, उस पर भी मैं वीडियो बना दूंगा। तो आप ऐसे लाइक और सब्सक्राइब करते रहें।